नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारतीय स्वदेशी चिकित्सा चैनल पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियोस में राजीव दीक्षित जी द्वारा बताए गए बहुत सारे इलाज आपके साथ शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इन इलाज को अपने जीवन में अपनाकर फायदा मिल रहा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोटापे से जीवन भर के लिए छुटकारा कैसे पाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और इस आयुर्वेदिक फॉर्मूले को अपने जीवन में हमें कैसे उतारना है, कैसे अपनाना है, कैसे मोटापे को अपने जीवन से दूर करना है, जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, राजीव दीक्षित जी कहते थे कि हमें खाने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। लेकिन पानी कैसे पिए, अगला सवाल ये आता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से पानी पीते हैं। आप सभी सामान्य रूप से पानी कैसे पीते हैं? एक ग्लास पानी भरा, मुंह से लगाया और गड़गड़ कर पी गए। राजीव जी अपने शब्दों में भी ऐसे ही व्याख्यान दिया करते थे और कहते थे कि गिलास एक बार में ही खत्म कर देते हैं हम लोग। कुछ लोग मुंह खोल लेते हैं और खोलकर ऊपर से ही पानी सीधा गले में डाल लेते हैं और पानी लगातार गटकते चले जाते हैं। तो राजीव दीक्षित जी इन दोनों ही तरीकों को गलत मानते थे। वे कहते थे पानी पीने के ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ही गलत हैं। अगर आप गट गट लगातार पानी पी रहे हैं तो आपके शरीर में 3 तरह के रोग जरूर ही आने वाले हैं, जिनमें पहला है अपेंडिसाइटिस, दूसरा है हर्निया और तीसरा है हाइड्रोसील। जिनमें से हर्निया सबसे ज्यादा उन लोगों को आता है जो पूरा गट गट करके एक बार में पानी पी जाते हैं, और हाइड्रोसील जो है वो थोड़ी उम्र के बाद आते ही विशेष रूप से पुरुषों में आता है, और हर्निया तो माताओं में भी आ जाता है, लेकिन हाइड्रोसील मर्दों की बीमारी है। ये तीनों रोग उन लोगों को जरूर आते हैं जो एक साथ पूरा लोटा या पूरा ग्लास पानी गटक जाते हैं। यदि राजीव दीक्षित जी गड़गड़ कर पानी पीने के लिए मना कर रहे हैं, तो अब साधारण सा सवाल हमारे मन में आ जाता है कि अब पानी पिए कैसे। तो अब हम आपको बताते हैं राजीव दीक्षित जी द्वारा बताया गया पानी पीने का अति उत्तम तरीका। आयुर्वेद में पानी पीने का सही तरीका वही बताया गया है जैसे आप चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं या गर्म दूध पीते हैं, यानी कि सिप सिप करके पीना। एक सिप लिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा सिप लिया, और फिर तीसरा और फिर चौथा। अगर आप सिप करके पानी पी रहे हैं तो आपको जितने चाहे मर्जी के स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, राजीव दीक्षित जी का दावा था कि ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पीता है, आयुर्वेद की गारंटी है कि जिंदगी में कभी भी उसको मोटापा नहीं आ सकता, कभी भी उस व्यक्ति का वजन नहीं बढ़ेगा। जितना वजन होना चाहिए उतना ही रहेगा। अगर पानी सिप करके पी रहे हैं तो जिंदगी भर उतना ही वजन रहेगा, ये आयुर्वेद का दावा है और राजीव दीक्षित जी का भी यही दावा है, क्योंकि वे तो आयुर्वेद को पूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी में अपना चुके थे और हमें भी वो आयुर्वेद को अपनी जिंदगी में अपनाने का हर पल सिखाते थे। अगर जो भी जिंदगी में सिप करके पानी पिएगा, मेरी गारंटी है, मेरी नहीं आयुर्वेद की गारंटी है कि जिंदगी में कभी भी उसको मोटापा नहीं आ सकता, ओबेसिटी कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा। जितना होना चाहिए जिंदगी भर उतना ही वजन रहेगा अगर पानी सिप करके पी रहे हैं तो। तो दोस्तों, अब हमारा प्रश्न हो सकता है कि यदि वजन बढ़ चुका है तो अब क्या करें। तो राजीव दीक्षित जी कहते थे कि पहली चीज तो चिंता ना करें, पर दूसरा काम करें, हर रोज पानी सिप सिप करके पिए लगातार 6 से 7 महीने तक। उनका दावा था कि 6 से 7 महीने यदि आप लगातार पानी सिप सिप करके पीते हैं तो 10 किलो तक वजन घट जाएगा। और राजीव दीक्षित जी का ये भी कहना था कि जिस तरह से मोटापा धीरे धीरे आपके शरीर में चढ़ा है, वो उसी तरह से धीरे धीरे ही प्राकृतिक रूप से जाना चाहिए। एकदम से ना मोटापा आया था, ना एकदम से मोटापा जाना चाहिए। आप सिप करके पानी पी लीजिए,
छह से सात महीने में 10 किलो वजन आपका घट जाएगा, अगर बढ़ गया है तो। फिर आप बोलेंगे कि उससे ज्यादा घट गया तो नहीं घटेगा, उसकी चिंता मत करिए, जितना बढ़ा हुआ है उतना ही घटेगा, घटने के बाद स्थिर हो जाएगा, सिप करके पानी पीने की आदत डाल दे। यदि हम प्रकृति के उलट जबरदस्ती करके वजन को कम करने की कोशिश करते हैं जिम इत्यादि जाकर, तो हमने उसका अपने जीवन में रिजल्ट देखा ही होगा। जिम इत्यादि जाने से वजन एक बार तो कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद वजन दोबारा लौट आता है और हम पहले से भी ज्यादा मोटे हो जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल शायद और आ रहा होगा कि पानी ऐसे पीने से वजन ज्यादा तो नहीं घट जाएगा, तो उसकी आप कदापि चिंता ना करें, जितना बढ़ा हुआ है वजन उतना ही घटेगा, घटने के बाद अपने आप ही वह स्थिर हो जाएगा। आप हमेशा सिप सिप करके पानी पीजिए। इससे आपको एक फायदा और भी होगा कि घुटनों का दर्द जो है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि आप 7 दिन लगातार इसी तरीके से सिप सिप करके पानी पीते हैं तो लगभग 25% दर्द जो है घुटनों का वो खत्म हो जाता है। और यदि ये दर्द एड़ी में है या किसी और जॉइंट में है तो वो तो 100% ही ठीक हो जाएगा। ये दावा था राजीव दीक्षित जी का। राजीव दीक्षित जी ये भी कहते थे कि जो जॉइंट पेन होता है ये 25-30% कम हो जाता है केवल 7 ही दिन के अंदर अंदर। एड़ी का दर्द है, एंकल जॉइंट्स का पेन, ये तो 7 दिन में 100% खत्म हो जाएगा। और ये जो जॉइंट्स में पेन आपको होता है ये 25-30% 7 दिन में कम हो जाएगा। और कुछ लोगों को सुबह सुबह उठते ही सर में बहुत दर्द होता है या चक्कर आते हैं, तो उन लोगों का भी ये सर दर्द और चक्कर आना 7 ही दिन में गायब हो जाएगा। तो ये व्याख्यान था राजीव दीक्षित जी का मोटापे के बारे में। आज की वीडियो में हमने पहला सूत्र जो बताया वो था कि खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना है, उससे पहले पानी नहीं पीना है। दूसरा सूत्र हमने बताया कि हमें पानी सिप सिप करके ही पीना है। एक बात और भी है जो राजीव दीक्षित जी कहते थे कि यदि खाना खाने के बाद आपको प्यास लग ही आई है और यदि आपको कुछ पीना ही पड़ता है तो आप पानी की जगह कुछ और तरल पदार्थ का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे सुबह के खाने के बाद यदि आपको कुछ पीना पड़ता है तो वह पानी की जगह जूस होना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद यदि खाना खाते ही या खाना खाने के 1.5 घंटे के अंदर कुछ पीने की तीव्र इच्छा उठती है तो वह लस्सी या छाछ हो सकती है। और यही यदि रात्रि के खाने के बाद आपको कुछ पीना पड़ता है तो वह होना चाहिए दूध। इन 3 चीजों के अलावा हमें पानी को किसी भी समय के खाने के बाद नहीं पीना चाहिए 1.5 घंटे तक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको राजीव दीक्षित जी के द्वारा बताए गए नुस्खे अच्छे लग रहे होंगे, आप उन्हें अपने जीवन में उतार रहे होंगे और अपने जीवन को स्वस्थ बना रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। चूना, जी हाँ, जो हम पान में लगाकर खाते हैं, मैं उसी चूने के बारे में बात कर रही हूँ। ये बात तो मैं जरूर कर रही हूँ, लेकिन ये सभी जो बातें हैं ये राजीव दीक्षित जी की द्वारा की गई बातें हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए सभी इलाज हैं, सभी उपचार हैं और सभी नुस्खे भी राजीव दीक्षित जी के ही नियात किए हुए हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस चमत्कारी चूने के बारे में कुछ बातें। चूना जो आप पान में खाते हैं वो 70 बीमारी ठीक कर देता है, ऐसा कहना था राजीव दीक्षित जी का। जैसे किसी को पीलिया हो जाए माने जॉइंटिस, उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पिलाने से बहुत जल्दी पीलिया ठीक हो जाता है और यही चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है।
अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनता तो उसको अगर गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल डेढ़ साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे। और जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते उनकी बहुत अच्छी दवा है ये चूना। ये कहना था राजीव दीक्षित जी का। विद्यार्थियों के लिए भी चूना बहुत अच्छी दवाई है जो लंबाई बढ़ाती है। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिलाकर खाने से, दही नहीं तो दाल में मिलाके, दाल नहीं तो पानी में मिलाकर भी चूने को लिया जा सकता है। इससे लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाती है। जिन बच्चों की बुद्धि कम काम करती है या जो बच्चे थोड़ा मंद बुद्धि होते हैं उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। इन सभी रोगों में यदि चूना दिया जाए तो बहुत ही जल्दी इन सभी का उपचार किया जरूर लेना चाहिए। एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा चूना है। चूना पीते रहिए गन्ने के रस में मिलाकर या संतरे के रस में मिलाकर या अनार के रस में भी मिलाकर चूना लिया जा सकता है। बाबू मत खाइए, चूना खाइए। हाँ, चूना बहुत ही अद्भुत है। जैसे मेथी का दाना अद्भुत है ऐसे ही चूना बहुत अद्भुत है। चूने की ताकत भी यही है जो मेथी के दाने की है। वात से जुड़ा हुआ कोई भी रोग शरीर का बंद करने का, खत्म करने का, समाप्त करने का ताकत चूने में ही है। गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, मनके का त्रास हो गया है, हड्डी में गैप पड़ गया है, ये सभी औषधि के रूप में चूना चलता है। उम्मीद है आपको सब कुछ विस्तार में समझ आया होगा। चूने का उपयोग, उसको कैसे खाना है, किन्हीं खाना है, किन्हीं नहीं खाना है, किन बीमारियों में चूना काम आता है, कैसे वो अपना चमत्कार दिखाता है। इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, जिसमें हम राजीव दीक्षित जी के और नुस्खों के बारे में बात करेंगे और बीमारियों के बारे में बात करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी बीमारी पे कोई वीडियो बनाएं, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमें ये भी बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। राजीव दीक्षित जी के नुस्खों के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपना पूरा जीवन आयुर्वेद को और भारत को समर्पित कर दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।